लेकिन नीतीश कुमार जी की जो क्रेडिबिलिटी है वो अब देश में बची नहीं है। उड़ते परिंदों को कौन बांध पाया है, कौन रोक पाया है? ये सत्ता की जो शतरंज है ये पल पल रंग बदलती है। इंडिया गठबंधन नाम की एक नई उम्मीद विपक्ष को मिल रही थी, उस पर बहुत बड़े संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि पूरे देश में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी करे। इन बैसाखियों के सहारे इतना बड़ा युद्ध नहीं लड़ा जा सकता है। लेकिन नीतीश कुमार जी की जो क्रेडिबिलिटी है वो अब देश में बची नहीं है, और उसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं, उनके फैसले जिम्मेदार हैं। उनके फैसले से और उनकी हरकतों से, जेडीयू की जो हरकतें हैं, जेडीयू के नेताओं की जो बातें हैं, उनसे ऐसा लगता है कि जो इंडिया गठबंधन नाम की एक नई उम्मीद विपक्ष को मिल रही थी, उस पर बहुत बड़े संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि पूरे देश में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी करे। इन बैसाखियों के सहारे इतना बड़ा युद्ध नहीं लड़ा जा सकता है। इंडिया गठबंधन और बिहार की राजनीति पर सांसद मनोज झा का कहना है कि 9 अगस्त 2022 को जब यह गठबंधन बना था तब इसकी बुनियाद की ईंट लालू यादव, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने रखी थी। इस ईंट की तासीर थी कि हमें भाजपा की बहबूक और भ्रणा वाली राजनीति को विराम देना है। सीएम नीतीश कुमार टीवी देख रहे होंगे, यकीन है वो जल्द इसका खंडन करेंगे। मुझे लगता है कि गंगा में बहुत पानी बह गया है और अब जो है परिंदा उड़ने को तैयार है, तो उड़ते परिंदों को कौन बांध पाया है, कौन रोक पाया है? ये सत्ता की जो शतरंज है ये पल पल रंग बदलती है, और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार इस शतरंज के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत बड़े मौसम वैज्ञानिक हैं। बारिश कब होगी, ठंड कब होगी, राजनीतिक तूफान कब आएगा, ये वो भांप लेते हैं। इसलिए हो सकता है उन्होंने ये सोचा हो कि विपक्ष उन्हें प्रधानमंत्री के पद का कैंडिडेट नहीं बना पा रहा है, तो उन्होंने दूसरी राह पकड़ने का फैसला किया हो। लेकिन ये सब कुछ उनके फैसले के बाद साफ होगा।